हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पूनम चौबे ब्लॉग। आज तो आप लोग दिवाली मना रहे होंगे, अच्छे से मनाइए दिवाली। मेरी तरफ से भी आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भी दिवाली की तैयारी में लगी हूँ, थोड़ा सा समय निकाल के मैंने सोचा आपके साथ ये शेयर करती हूँ। हमारे यहाँ ये दिवाली पर बहुत ही ज़रूरी ही बनाया जाता है, इसको खाया जाता है। आप इसे बनाना और मुझे बताना कि आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं और कैसा लगा ये। आइए हम बताते हैं क्या है। ये देखिए, ये बताइए क्या है, आप सब बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये हमारे यहाँ ये जिमीकंद है और इसको हम सूरन कहते हैं। हमारे यहाँ, हमारे यूपी में सूरन कहा जाता है इसको। ये सूरन की सब्ज़ी है जो कि दिवाली पर ज़रूर बनाया जाता है हमारे यहाँ। मेरी मम्मी बचपन से ही बनाती आई है, तो इसकी रसेदार सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है, मसाले वाली। बट आज मैं इसको सूखी सब्ज़ी आपको बना के दिखाती हूँ, सूखी सब्ज़ी इसकी कितनी टेस्टी होती है। वैसे इसका चोखा, चटनी सब बनता है, मैं सब बताऊंगी। अगर आपको चाहिए इसकी रेसिपी तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, मैं एक एक करके शेयर करती रहूंगी। तो आज मैं इसकी बिल्कुल सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ। गैस, ये चाकू से बिल्कुल नहीं छिला जाता, ये बहुत ही हार्ड होता है और ये मिट्टी के अंदर ही पाया जाता है, बहुत ही हार्ड होता है ये। हमने इसको चाकू से किसी भी तरह से थोड़ा बहुत छिल के धुल के साफ़ करके क्लीन कर लिया हमने। उसके बाद हम 4 टुकड़ों में करके कुकर में रख दिया। अब हम गैस ऑन करेंगे, गैस पे चढ़ाएंगे इसको। कम से कम 3 या 4 सीटी, मीडियम फ्लेम पर 3 या 4 सीटी इसको आने दीजिएगा, अच्छी तरह से पक जाइए, क्योंकि बहुत ही हार्ड होता है ये। अच्छी तरह से पक जाएगा तब इसके बाद मैं बताती हूँ कि आगे का प्रोसेस क्या है। ये देखिए, 3-4 सीटी लग गई हमारी, हमारे ये पक गए हैं सूरन। इसमें से मैं अब निकालूँगी इसको। अब ये तो बहुत ही गर्म है गैस, मोबाइल के कैमरे में भी इसकी स्टीम इतनी आ रही है। ये देखिए, इसमें हमने निकाल लिया। अब ये हमारा जिमीकंद देखिए, अभी बहुत ही गर्म है, इसको गरम गरम छील लेते हैं, क्योंकि इसका जो छिलका होता है ना, गरम गरम करो तो जल्दी ही उतर जाता है, वरना ठंडा होने पे तो ये बहुत ही हार्ड हो जाते हैं। ये देखिए, हमने ये इसको छील लिया है अच्छी तरह से। अभी इसको हम चाकू से कट कर लेंगे, छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लेंगे चाकू से। देखिए, हमने इसको कट कर लिया है, सारे फैला लिया है पूरे प्लेट में अच्छी तरह से, कट करके रख दिया। अब इसको हम आपको बता दें, इसको हम धूप में 10 मिनट के लिए सुखाएंगे गाइस। सुखाएंगे क्या, इसका जो पानी होता है वो निकल जाए, क्योंकि भुनने में इसका पानी जो रह जाता है ना, फिर उससे वो गीलापन हो जाता है। ये देखिए, 10 मिनट के लिए हमने धूप में सुखा दिया था, अपनी बेटी को बोला, धूप में ले गई, रख दिया था इसने छत पर। ये देखिए, तो बहुत स्लिप कर रहा था, क्योंकि ये सूख गया था तो ये हार्ड हो गया था बहुत ज़्यादा, तो मैंने फिर हाथ से इसको मैश किया। ये देखिए, कढ़ाई में हम कढ़ाई रखी, और गैस इसको मस्टर्ड ऑयल में ही, सरसों के तेल में ही बनाना आप, और 3 से 4 चम्मच तेल, भर भर के तेल इसमें बहुत ज़रूरी है। तेल ज़्यादा ही लगता है, क्योंकि ये पूरी तरह से भुनता है तेल में ही, और सरसों का तेल ही डालना। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, ये कलौजी है, आधे चम्मच हमने कलौजी डाल दी गैस, और ये आधे चम्मच जीरा, आधे चम्मच अजवाइन, और आधे चम्मच मेथी, और आधी चम्मच हमने सौंफ डाली। सौंफ ज़रूर डालना, सौंफ से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसका, कि सूरन में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सौंफ डालना, हमारे यहाँ डाला जाता है। तो ये देखिए, लहसुन है, हमने छील के कट कर लिया है लहसुन छोटे छोटे टुकड़ों में, भर भर के डालिएगा लहसुन। लहसुन बहुत अच्छा लगता है इसमें, लहसुन और अदरक और हरी मिर्ची हमने कट करके छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया था, हमने इसमें डाल दिया। मसाले हमारे हो रहे हैं, हमने थोड़ी सी हींग डाली, एक पिंच हींग डाल दीजिएगा, हींग का टेस्ट भी अच्छा होता है सूरन में। उसके बाद ये हमने डाल दिए, देखिए हमारे मसाले अच्छी तरह से पक गए हैं। फिर हमने इसमें डाल दी आधे टीस्पून हल्दी और आधे टीस्पून मिर्ची। फिर उसके बाद हमने ये डाल दिया सूरन आपका, ये डाल के हम धीमी आंच पे इसको भूनेंगे, अच्छी तरह से मिलाएंगे पहले, जो कि मसाले जो हैं हमारे अच्छी तरह से मिल जाएं। ये देखिए, हम इसको मिलाएंगे गैस। ये हमने फिर डाल दिया इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, जितना आपको नमक पसंद हो, तेज या कम, वैसे इसमें थोड़ा सा मीडियम ही नमक अच्छा लगता है। फिर उसके बाद ये देखिए गैस क्या है, ये है आम का आमचूर, बहुत ही खट्टा होता है ये, गाँव का आम का आमचूर है, तो इसको डालना ज़रूर, 2 चम्मच डालना भर भर के। आधा किलो जिमीकंद था मेरा, आधा किलो लेके आई थी, क्योंकि ये भी बहुत ही महंगा है, ये यहाँ मिलता नहीं है दिल्ली में, तो
तो ये मैं आधी किलो लेके आई थी, ये देखिए। फिर मैंने डाल दी धनिया की पत्ती, धनिया पत्ती डाल के मैं उसको थोड़ा सा अच्छी तरह से मिक्स करूँगी थोड़ी देर के लिए, उसको धीमी आँच पे ही बिल्कुल फ्लेम जो है लो कर दूँगी और इसको भूनती रहूँगी। ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा खिल के आया है और देखने में भी बिल्कुल आलू के जैसा लग रहा है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है इसको खाना। ये देखिए मेरा भुन गया है, हमने 10 मिनट तक इसको खूब अच्छे से भून लिया है, अभी खूब अच्छे से भून लीजिएगा। उसके बाद हम निकालते हैं इसको, मेरे मुंह में तो पानी आने लगा। ये देखिए आप बताना आपके मुंह में पानी आ रहा है कि नहीं, और आप कमेंट में ज़रूर बताना आपके यहाँ क्या कहते हैं, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपके यहाँ क्या कहते हैं।